बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो सैमसंग गैलेक्सी M51 आ चुका है, तो इसका आज करेंगे सबसे पहले डब्बा खोल और करेंगे डिटेल रिव्यू, और इसके बारे में सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा डिजाइन एंड डिस्प्ले, दूसरा है परफॉर्मेंस, तीसरा है कैमरा, चौथा है बैटरी और पांचवा वैल्यू फॉर मनी। ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इसकी सबसे पहले बताता हूँ प्राइस। इसकी प्राइस है 6GB रैम मॉडल है, और इसकी जो प्राइस है 24,999 रुपये। एक मॉडल और आता है, उसकी प्राइस है 26,999 रुपये, वो है 8GB रैम मॉडल में। तो क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले करते हैं इसका डब्बा खोल। तो सैमसंग के बॉक्स में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं होता, जिसकी जो पैकेजिंग होती है बहुत ही सिंपल होता है। तो सैमसंग और M51, और इस साइड में देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी M51, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लू है कलर, और रैम है 6GB और रैम है 128GB रोम है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो फटाफट से इसका करते हैं अनबॉक्सिंग। और मैं इसको निकालता हूँ, यहाँ से काटता हूँ, फिर इसको यहाँ से काटता हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसको बाहर, और ये देखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। और ये यहाँ देख सकते हैं आप, कलर बहुत ही प्यारा कलर है, मतलब इलेक्ट्रिक ब्लू कहते ही इसकी कंपनी। इसको भी निकाल लेता हूँ बाहर। और ये यहाँ पे कैमरे का जो सेटअप दे रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वाड कैमरे का सेटअप है इसके अंदर। तो ऑन कर लिया, और तब तक मैं अभी और चीज़ें दिखाता हूँ और क्या क्या दे रखा है इसमें कंपनी ने। 25 वाट का फास्ट चार्जर अडेप्टर है, USB टाइप सी टू USB टाइप सी केबल है इसके अंदर में। तो कुछ पेपर्स वगैरह दे रखे हैं, क्विक स्टार्ट गाइड, और ये सारी गाइडें दे रखी है, वारंटी कार्ड, और इसको आप बिल्कुल संभाल कर रखिए, बहुत काम आते हैं बाद में। इसके अंदर में कोई केस कवर नहीं दे रखा है, तो बिल्कुल डब्बा खाली है। तो ये यहाँ पे 3.5mm का जैक है, और टाइप सी यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है, और इसके साथ में माइक्रोफोन है और स्पीकर ग्रिल दे रखा है। और साइड में ये यहाँ पे आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है, और टॉप में देख लेते हैं, टॉप में यहाँ पे आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, नॉइज़ कैंसिलेशन। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सिम ट्रे दे रखा है, तो सिम ट्रे को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे डुअल सिम और माइक्रो SD का कार्ड का स्लॉट दे रखा है। तब तक दोस्तों मैं करता हूँ इसको सेटअप, और सेटअप करने के बाद आपको फिर सारी डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों हमने कर लिया इसका डब्बा खोल। तो सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन एंड डिस्प्ले। तो डिज़ाइन में सबसे पहले बताऊंगा आपको कि रियर साइड में जो बॉडी है, ये बेसिकली प्लास्टिक बॉडी है, और क्वाड कैमरे का जो सेटअप आप देख रहे हैं, ये बेसिकली सैमसंग का अपना डिज़ाइन फैक्टर है जो इस रेक्टेंगुलर शेप में मिलता है आपको। और उसके अंदर में क्वाड कैमरे का सेटअप है, और फ्रंट में एक सिंगल कैमरा है पंच होल। और जो उसका सबसे प्लस पॉइंट है, स्क्रीन क्वालिटी कमाल का है, FHD प्लस है, और इसके साथ में आपको मिल जाता है सुपर AMOLED स्क्रीन है। क्या क्वालिटी है, गजब की क्वालिटी है। अगर आप YouTube वीडियो देखते हैं या आप कोई मूवी देखते हैं, तो कमाल का, मतलब इसकी कलर डायनामिक्स, इसका बिल्कुल बहुत मज़ा आता है देख के, मैं बता नहीं सकता, आप खुद वीडियो देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी स्क्रीन की आती है। और इसमें बिल्कुल बेजल लेस डिज़ाइन मिल जाता है, स्क्रीन आपको 20:9 रेशियो मिल जाता है। तो YouTube वीडियो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, मूवी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है। अगर आप गेमर्स हैं तो बहुत ही मज़ा आता है स्क्रीन क्वालिटी देखने में, क्योंकि 6.7 इंच की स्क्रीन साइज है, तो गेम खेलने में आप बहुत मज़ा आएगा आपको। तो बहुत बढ़िया लगा ये मुझे, डिस्प्ले क्वालिटी तो कमाल है, सुपर है, बहुत बढ़िया है। और सैमसंग जाना भी जाता है स्क्रीन क्वालिटी को लेकर, तो यहाँ पर इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बहुत बढ़िया इन्होंने डिज़ाइन दिया है सैमसंग ने। तो मुझे डिस्प्ले बहुत बढ़िया लगा, डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक तो इसकी वेट ज़्यादा है, 213 ग्राम है, और थिकनेस भी थोड़ी ज़्यादा लगी, 9.5mm थिक। शायद इसलिए उन्होंने गोरिल्ला ग्लास नहीं लगाया, क्योंकि कॉस्ट भी कम हो गया, थोड़ा वेट भी कम हो गया। वैसे फिर भी अगर आप हाथों में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको वेट पता नहीं चलता, और हाथों में बहुत बढ़िया ग्रिप आता है इस फ़ोन का। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे डिस्प्ले, लेकिन डिज़ाइन के मामले में मैं कहूँगा एवरेज है सैमसंग का ये फ़ोन। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के लेके। तो सैमसंग ने बहुत ही बड़ा दिल रखते हुए स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर इसके अंदर डाला है, मतलब मुझे लगता है डालते हुए बहुत ज़्यादा उसने सोचा होगा, लेकिन एनीवे मुझे ये प्रोसेसर 730G बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा ही लगता है, मैं फ्रेंडली बता रहा हूँ। अगर 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 का फ़ोन होता है, 730G मैं बहुत अच्छा मानता हूँ उस प्राइस रेंज में,
इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है 730G कम है, लेकिन ठीक है, सैमसंग ने थोड़ा बड़ा दिल दिखाया और स्नैपड्रैगन 730G लेके आया इस बार, तो परफॉर्मेंस भी इसका बहुत अच्छा मैं कहूँगा। गेम खेलते हुए कहीं भी कोई लैगिंग फीलिंग नहीं होती है, वीडियो देखने में, मूवी देखने में, कोई हैवी वर्क करने में, या बहुत सारे ऐप ओपन हो बैकग्राउंड में चल रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। गूगल मैप में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, तो बहुत बढ़िया, कहीं पर कोई लैगिंग नहीं है। तो ये मुझे लगता है 730G इस स्क्रीन को, इस साइज को बहुत बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर इसका बहुत ही सुपर फास्ट है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आपने देखा बहुत ही सुपर फास्ट है। और इसका जो फेस अनलॉक है बहुत ही, वो भी बहुत अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एकदम सुपर फास्ट ओपन हो गया ये, मतलब ये कहूँगा आधे सेकेंड में फेस अनलॉक खुल जाता है। और फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे लगता है कि मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये ओपन हो जाता है लॉक अनलॉक, मुझे बहुत अच्छा लगा ये फीचर। और एक और फीचर है डॉल्बी एटमोस साउंड, कमाल का इसका स्पीकर की क्वालिटी है। अभी मैं आपको सुनाता हूँ इसकी स्पीकर की क्वालिटी। स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब आप बिना ईयरफोन के भी आप स्पीकर पे सुनेंगे म्यूजिक, वीडियो, कोई भी सॉन्ग, तो बहुत मजा आएगा आपको। तो यहाँ पे भी ये मुझे बहुत अच्छा लगा, डॉल्बी एटमोस साउंड बहुत अच्छा है सैमसंग M51 का। तो आप बात करते हैं कैमरा को लेकर, इसके अंदर में क्वाड कैमरे का सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस मिल जाता है। कमाल का है ये, इसमें सबसे खास बात बताता हूँ, 64 मेगापिक्सल का जो लेंस है कमाल है, कमाल है, कमाल है। और जो दूसरा लेंस है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, वो भी बहुत ही सुपर है। जैसा कि आपको मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये जो कार है, ये मॉडल कार है, बेसिकली आप देख सकते हैं बिल्कुल दो उंगलियों के बराबर है ये, लेकिन इसका जो फोटोग्राफ जो मैंने निकाला है आप देख सकते हैं मैक्रो लेंस से मैंने निकाला है। तो आपको ये कार लग रहा होगा बहुत बड़ी कार है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत छोटी कार है। तो मैक्रो लेंस मैं कहूँगा इस फ़ोन का कमाल का है दोस्त। और 64 मेगापिक्सल का जो इसका मेन कैमरा है वो भी बहुत बढ़िया है, तो इस मामले में कहूँगा बहुत अच्छा लगा। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी बहुत बढ़िया है, इसका जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा एक फीचर मुझे और बहुत बढ़िया लगा, सिंगल टेक फीचर बहुत ही कमाल का है। मतलब कोई फोटो लेते हैं तो कैमरा क्या करता है, उसके 10 तरह की चीज़ें निकाल के दिखाता है, उसमें से कोई भी सा भी आप चूज करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उसका लेंस है, AI लेंस बहुत ही बढ़िया है। जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा फीचर है, सैमसंग के वैसे दूसरे फ़ोन में भी आते हैं लेकिन इस फ़ोन में बहुत परफेक्टली काम करता है। अगर आप कोई कार है या कोई जीप है उसका फोटो लेते हैं तो उसमें वो दिखा देता है कि ये कार है, अगर किसी घर का लेते हैं वो दिखा देता है घर है, अगर कोई ह्यूमन बॉडी का लेते हैं, किसी आदमी का लेते हैं फोटो, तो दिखा देता है वो कि ह्यूमन फेस है। उसके हिसाब से क्या होता है कि वो सेटिंग चेंज करता है, अपनी ब्राइटनेस लेवल, अपना वाइट बैलेंस, ये सब सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है। ये फीचर मुझे बहुत बढ़िया लगा लेंस का। फ्रंट जो कैमरा है सेल्फी कैमरा, 32 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा है, लेकिन मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि इस प्राइस रेंज में डुअल लेंस होना चाहिए, मज़ा आता है, जो कि अल्ट्रा वाइड भी मिलता है आपको एक्स्ट्रा, तो उसके साथ में अगर आप ग्रुप फोटो लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 32 मेगापिक्सल का ये जो लेंस है मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, और सिंगल लेंस भी है तो इसकी क्वालिटी बहुत खास नहीं लगी मुझे। तो जो मेन इसका 64 मेगापिक्सल का कैमरा है और जो मैक्रो लेंस है वो कमाल का लगा मुझे। तो अब बात करते हैं बैटरी, तो बैटरी ही तो सबसे कमाल की बात है इस फ़ोन की। 7000 mAh की बैटरी, मतलब इतनी ह्यूज है कि आप गेम के लिए, वीडियो देखिए, मतलब वीडियो एडिटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, दो दिन तो बिल्कुल चलेगा चलेगा। और 25 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है, मुझे लगता है इस बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से तो बहुत ही कम है, मुझे लगता है 40-45 वाट का होना चाहिए था, क्योंकि 7000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में 25 वाट को बहुत सारे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि करीब एक घंटा लग गया था 50 से 100% पहुँचने में, तो मुझे लगता है कि 0 to 100% पहुँचने में शायद हो सकता है 2.5 घंटे लग जाए। तो और 35 या 45 वाट का फास्ट चार्जर जो आता है तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन कोई बात नहीं, 7000 mAh बैटरी बहुत बड़ी होती है, दो दिन तो बड़े आराम चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी को लेके, तो मुझे लगता है कि सैमसंग थोड़ा सा यहाँ पे चूक गया है। 24,999 रुपये में 6GB रैम और 128GB रोम मिल रहा है, एक मॉडल और आता है 8GB रैम मॉडल के साथ में, उसकी प्राइस है 26,999 रुपये। तो बेसिकली ये वन प्लस नॉर्ड और रियलमी X3 सुपर जूम के रेंज में पहुंच गया, मतलब बेसिकली इससे 1000 रुपये ज़्यादा ही है वन प्लस नॉर्ड और रियलमी X3 सुपर जूम। उस हिसाब से देखूंगा तो मैं तो ये कहूँगा 1000 रुपये एक्स्ट्रा देके तो मैं वन प्लस नॉर्ड भी ले सकता हूँ, रियलमी X3 सुपर जूम भी ले सकता हूँ, क्योंकि वो दोनों फ़ोन नो डाउट दोस्त इससे बेटर मैं मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर इसकी प्राइस 21 या 22 हज़ार होती तो ज़्यादा बढ़िया होता है,
लेकिन गलती से ये वन प्लस नॉट और रियलमी एक्स थ्री सुपर जूम के रेंज में पहुंच चुका है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत की बात है। अदरवाइज इसके अंदर में फीचर्स तो बहुत कमाल के नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइस इसकी ज़्यादा है। तो दोस्त अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहला बताऊंगा पॉजिटिव। पॉजिटिव के मामले में कहूंगा बैटरी कमाल धमाल बवाल है, बहुत ही शानदार है। दूसरा जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, स्क्रीन क्वालिटी जबरदस्त है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम यार सैमसंग को थोड़ा सा अब इसको इम्प्रूव करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे अब बड़ा अच्छा नहीं लगता, जो इसके विजेट्स हैं या जो इसके फॉन्ट्स हैं मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते। थोड़ा सा इस क्रिस्पी और भी करना पड़ेगा, थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज करनी पड़ेगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो तीसरा सबसे प्लस पॉइंट है इसका, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, उसकी क्वालिटी ज़बरदस्त लगी मुझे। तो ये तीनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक चीज़ और है, इसका जो डॉल्बी एटमोस साउंड क्वालिटी है स्पीकर की, वो कमाल की है, बहुत अच्छा है। ये चार पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे पॉजिटिव पॉइंट। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट, मैं कैसे छोड़ दूंगा नेगेटिव पॉइंट है। सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, रिजोल्यूशन तो बहुत ही हाई है, लेकिन मुझे लगता है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में डुअल लेंस होना चाहिए था। और जो इसका जो प्राइस है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। इसकी प्राइस मुझे लगता है 21-22 हज़ार रुपये के आसपास होनी चाहिए थी, तो ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो ये बेसिकली दो नेगेटिव पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि अगर फिर भी अगर आपको स्क्रीन क्वालिटी, बैटरी और इसके अलावा मेन कैमरा और मैक्रो कैमरा आपको बहुत पसंद है, तो आप बिल्कुल फ़ोन को ले सकते हैं। प्राइस थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता है, इसमें सैमसंग को कुछ करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताना कमेंट करके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं लेता हूँ विदा। अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ स्टे हैप्पी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।